जो अगर तेरी धमकी की है वो वहाँ का एसएचओ देखेगा यार, उसको तो पूरा दी नहीं एप्लीकेशन, पहले एसएचओ को दे, वो नहीं बन डीएसपी को दे। मैं वक्त तरीके से मेरे को परेशान किया गया था, मेरे को रोज 10,000 से 20,000 की डिमांड करने की को बोला भी तू जनता से ऐसे ऐसे पैसे लेके आ, उन्हें तरीके से बताया, मैंने उसको इनकार किया। मेरी उसने 2 मंथ के बाद 8वां मंथ में मेरी नाइट ड्यूटी कर दी, उसने सजाए कंटिन्यू नाइट ड्यूटी की सुनाई भी तू जब तक मेरे अंडर में काम नहीं किएगा जब तक मैं आपको नाइट ड्यूटी ही रखूँगा। मैं उसके बाद 5 मंथ तक मैंने नाइट ड्यूटी की विदाउट रेस्ट मिले नाइट ड्यूटी में। उसने बार बार मेरे को ब्लैकमेल किया, उसने तरीके इतने अपनाए, अटेंडेंस चोरी का इल्ज़ाम लगाया और वक्त तरीक़ों से मेरे को बंदे मेरे पीछे लगाए। मैंने नौकरी बचाने के चक्कर में मैंने सब डिवीज़न चेंज करने को बोला एक्शन साहब को, तो एक्शन साहब ने मेरे को ऐसे बोला भी तू चलो कोई नहीं मैं करता हूँ बात। एसडीओ साहब ने मेरे को धमका दिया भी तू उसका अंडर में काम कर जैसे कहेगा वो ऐसे करना, ऊपर जनता लेकिन जाती, सरकार का इसमें दोष है नहीं किसी तरह का भी। सरकार के खिलाफ मैं नहीं बोलूँगा, सरकार को मेरे को नियुक्त ऐसा किया है निष्पक्ष ज्वाइनिंग करके मेरे को भेजा, मैं 50 नंबर पर ज्वाइनिंग हो जाऊँ। अगर सरकार भ्रष्टाचार होती तो मेरिट बहुत ऊँचे जाती, इसलिए मैं निष्पक्ष काम करना चाहता हूँ, मैं सेवा जनता की फ्री में करना चाहता हूँ। जो अफसर है वो आपको काम नहीं करने दे रहे? अफसर बोलते हैं 1,000 रुपये फुदलाई का लेके दो मेरे को, 15,000 रुपये ट्रांसफार्म के लिया के दो मेरे को, 10,000 रुपये मीटर के लिया के दो मेरे को, जब आपके साथ मैं लगूंगा, नहीं तो वरना आपको सजाए नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी कंटिन्यू। कोई शिकायत दी है इसकी आपने? मैंने शिकायत एक्शन को दी, एससी को दी, चीफ को दी, सीएमडी साहब को दी, ओएसडी बराड़ा साहब को दी, चंडीगढ़ इन्फोर्समेंट को दी, मैंने बिजनेस को दी, उसने बोले रिकॉर्डिंग करवा के दो। मैंने जनता को बीच में 5 फोन बांटे मेरे अपने पैसे से लेके, जनता उससे डरती है, उसका जेई का पद से, वो कहती है भी हमारे रात अंधेरे में काटनी पड़ेगी अगर इसको खिलाफ मैंने बोलिया। एक्शन साहब ने, एससी साहब ने, जब मैंने चीफ साहब को बोलिया भी मेरे को जेई परेशान करता है, 5 बारी तो मैंने बोलिया नहीं, उसके बाद उन्हें मेरे को पूछा कारण बदली का, कारण बदलिया बोलने के बाद उसने बोला मेरे को भी उसके सबूत इकट्ठे करके दो मेरे को। मैंने 5 बारी ना दिया, सोचा उसकी नौकरी चली जाएगी। आज यहाँ पर पहुँचे क्यों पहुँचे? सीएम साहब को मिलने के लिए मैं धमकी दे रखी मारने की। किसने? जेई साहब ने दुआई है उसके सीएचबी को। नाम क्या है उनके? जेई। अच्छा, आज अमृतसर पहुंचे सीएम को मिलने? पहुंचे सीएम साहब को मिलने के लिए। क्या बताना है उनको? तो सीएम व्यापारियों की मुश्किलें सुन रहे हैं और आपकी जो सरकार में काम सर, अगर मैं ठीक है उसकी सुनेंगे, वो बोल रहे हैं जांच चल रही है, जब तक जांच चलेगी चलती रहेगी, जब मैं मृत्यु हो जाएगी मेरी, वो बंदे मेरे को मार देंगे, फिर उसको सरकार 10 करोड़ का 20 करोड़ का उसको बेनिफिट हो जाएगा जब मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैंने बोला सर, मैंने चिट्ठी के माध्यम से भी हर तरीके से व्हाट्सएप से भी सर को बोला, मैंने आप मेरे को घर भेज दो किसी रास्ता से, मेरी तबादला करा दो, आप सीनियर अधिकारी हो मेरी सुनाई कर लो आप। वो बोल रहे हैं भी ऐसे वैसे, जनता उसे डरती है उसकी जेई कुर्सी से। अब मैंने सबूत उसके इतने इकट्ठे कर रखे हैं, उसका घोटाला कम से कम सामने, अगर इन्फोर्समेंट एससी साहब ने उसको एक एक्शन को लगा दिया, मेरी तो उससे संतुष्टि नहीं है कि उसकी जांच हो पाएगी, वो तो 2-4 लाख में दबा दे, तो उसने 10 करोड़ का घोटाला कर रखा, जिसमें मैंने माध्यम से अपनी अपनी तरीके से एक एक चीज रिपोर्ट ला रखी है, जिसकी मेरे पास वीडियो भी है, ऑडियो भी है, रिकॉर्डिंग भी है। मांग क्या है आपकी? मेरी ये मांग होती है जी, उसको रिमांड पे चढ़ा के उस पर प्रॉपर वक्त तरीके से जो उन्हें लूटे हैं पैसे जनता के, उसके सारे तरीके से मनाए, जो उसको सीएचबी ने उसको उसके वक्त तरीके चिट्ठी काट के उनसे पूछा जाए, जो उसकी मैं मांग ये करता हूँ, जनता के पैसे जितने के रखे सरकारी खजाना में जाए, उस पर रिमांड चढ़ाया जाए, प्रॉपर उसकी 20 साल की सजा होनी चाहिए जिसने प्रॉपर तरीके से गलत काम किया।
मेरे को नौकरी ना करने दीजिए, मेरी तबादला कर दे मेरे एरिया में, अगर सरकार चाहेगी तो ये कर दो, नहीं मेरे को जो होगा अगर मेरे को मृत्यु दंड देगी ना मैं लेने पे मजबूर हूँ।